स्वागत है आप सभी दर्शकों का, नमस्कार सिटी में। और आज हम हैं रामनगर में कल्किधर गुरुद्वारे के सामने, जहां पर बंदी छोड़ दिवस के उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, गुरुद्वारे को बड़े अच्छी तरीके से सजाया गया है और पाठ भी चल रहा है। सुबह से शुरू हुआ ये प्रोग्राम, अभी तक चालू है और दो दिन के लिए रहेगा। बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, हम जल्दी उनसे आपकी बात कराते हैं। धन्यवाद। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हमारे साथ हैं और अभी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, गुरुद्वारे के बारे में। ये प्रोग्राम क्या है, आज का क्यों मनाया जाता है और गुरुद्वारा कब से है, क्या क्या इसमें प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कल्किधर साहब रामनगर रुड़की, मैं दास यहाँ पर सचिव की सेवा कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम जो है दीपमाला दिवाली के उपलक्ष्य में, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ग्वालियर के किले में कैद थे, तो वहाँ पर बामन राजा और भी कैद थे, तो महाराज जी के रिहाई के आदेश हो गए तो सारे राजा कहने लगे महाराज आप हमको भी यहाँ से ले कर चलो। तो जो मुसलमान राजा था उसने कहा जी जितने लोग आपकी कुर्ता पकड़ के निकल जाएंगे हम उनको यहाँ से आपके साथ भेज देंगे। तो गुरु साहब तो बहुत होशियार थे, सबका हर बात को जानने वाले थे। उन्होंने 52 कलियों का एक कुर्ता सिलवाया और 52 राजा एक एक कली पकड़ के उनके साथ बाहर आ गए। तो उस दिन से इसका नाम बंदी छोड़ दिवस पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बंदियों को छोड़वाया था गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने। और जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी अमृतसर पहुँचे ग्वालियर से, तो जिस प्रकार भगवान राम जी अयोध्या पहुँचे थे तो दीपमाला हुई थी, उसी प्रकार जब गुरु हरगोबिंद साहब जी अमृतसर आए तो दीपमाला की गई। और तभी से जो है ये पर्व दिवाली वाले दिन और मतलब जो है बंदी छोड़ दिवस ही मनाया जाता है, दीपमाला भी की जाती है और धार्मिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं जिसमें कीर्तन कथा तक गुरु का लंगर ये सब इत्यादि होता है। साथ में ही इस गुरुद्वारा साहब की स्थापना को इस बार 60 साल हो गए हैं, दिवाली वाले दिन ही इसकी नींव रखी गई थी, हमारे बुजुर्गों ने रखी थी। तब बहुत छोटा सा गुरुद्वारा था उस समय, आप सब जानते हैं कि लोग सब गरीब थे, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके छोटा सा गुरुद्वारा बनाया था। आज गुरु महाराज की कृपा है और पूरे साध संगत का सहयोग है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सहयोग है और सबके सहयोग से आप देख रहे हैं गुरुद्वारा साहब की इतनी आलीशान बिल्डिंग 10 साल पहले बनी है और बहुत ही अच्छे इसमें प्रोग्राम किए जाते हैं। हर महीने में 2-4 लंगर किए जाते हैं कि यहाँ पर हम उनकी सहायता करते हैं, किसी को फीस की ज़रूरत हो जाए, कोई बहुत अर्जेंट बीमारी में किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए, कोई विधवा है उसको किसी हेल्प की जरूरत पड़ जाए, तो भी गुरुद्वारा साहब की तरफ से उनकी सहायता की जाती है। ये यहाँ पर धार्मिक प्रोग्राम इस प्रकार चलते रहते हैं। कोली है, मैं इस गुरुद्वारे में कैशियर की ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ पे कैशियर की सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर। जी सर, मेरा नाम विनायक सिंह है और यहाँ सेवा और सिमरन गुरु घर की दो मुख्य अपने भेंट हैं और यहाँ पर संगत का जो है निरंतर पाठ चलते रहते हैं, कभी अखंड पाठ, सहज पाठ और श्री सुखमणी साहिब का पाठ अभी भी चल रहा है। ऐसे सेवा के भी अनेक आयाम हैं यहाँ और कई आयामों के अंतर्गत, जैसे अभी हमारे माननीय सचिव जी ने बताया है कई आयाम हैं हमारे, उसमें भी सेवा के अनवरत कार्य चलते हैं। इस दृष्टि से यहाँ जो संगत है
ऐसे इन संगतों के द्वारा आपके अन्न का, धन का, बच्चों की फीस का, जैसे आपने माननीय सचिव ने बताया, ऐसे बहुत सारे काम चलते हैं और इन सभी सारे कार्यों में हमारी जो सेवा संगत के सभी लोग हैं इनका बड़ा सहयोग दिन रात हमको मिलता है। मेरा नाम रजिंदर अरोड़ा है, मैं गुरु घर के लंगर की सेवा में सेवा करता हूँ जी। जब भी मौका लगे मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ जी, गुरु घर की सेवा के लिए, दिन हो रात हो गुरु घर की सेवा लिए मेरे को हाजिर होना पड़ता है। गुरु घर से मेरे को बहुत कुछ मिला है, यहाँ बहुत सबको मिलता है जी गुरु घर में। इसमें आना चाहिए, सब संगत को आना चाहिए, जो भी है, ये नहीं है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो, गुरु घर में सब भी जो भी आता है उनको लंगर बैठा के आराम से खिलाया जाता है, इज्जत से खिलाया जाता है जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं शक्ति टेंट हाउस प्रोप्राइटर आर के बजाज हूँ और KL पॉलिटेक्निक के सामने हमारा शक्ति टेंट हाउस है। और 16 साल से जब से ये गुरुद्वारा बना है तब से सेवा कर रहा हूँ। कोई सामान का आने जाने का किराया नहीं है, कोई सामान का किराया नहीं है, और सेवा भाव से कर रहा हूँ। और आज की जितनी भी डेकोरेशन है सब जो है मेरे सौजन्य से है।